जो फाइबर नहीं मिलेगा तो चिपक जाता है सब, तो वो चिप चिपका हुआ जो दीवार के ऊपर चिपका हुआ सब निकालना है तो फाइबर खाना लाजमी है। फाइबर हाँ तो ये मिलता है, हाँ हाँ जी सर, फाइबर कहाँ से? इसबगुल से मिलता है, इसबगुल से, गवार गेहूं से मिलता है, और फाइबर ये अपना पोमोग्रेनेट से मिलता है। पोमीग्रेनेट से मिलता है बहुत सर। सारे जो हरी 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 पत्तीदार सब्जियां हैं वो सब पर फाइबर से भरपूर है। यस, अब मेरा एक और और क्वेश्चन है। तीसरा क्या था? हाँ, मैंने आपसे पूछा इसके क्या फायदे होते हैं, इसके क्या सोर्सेस है, और इसकी कमी से क्या क्या हो सकता है, फाइबर की कमी से क्या क्या हो सकता है? इसकी कमी से आपका पूरा दीवार में जो आम है वो चिपक जाएगा, चिपका हुआ ही रहेगा, आपको कॉन्स्टिपेशन होएगा, और आपका जो खाना है वो जो दीवार अभी चिपका हुआ है आम, तो फिर कैसे वो डाइजेस्ट मीन्स न्यूट्रिशन लेगा, वो ले ही नहीं सकता है। तो न्यूट्रिशन लेने के लिए भी आपको दीवार का जो चिप आम है वो निकालने के लिए फाइबर खाना जरूरी है। बिल्कुल सही बोला सर ने अपनी भाषा में कि अगर आपकी आपके कहीं भी किसी भी ऑर्गन में यदि कुछ चिपका हुआ है तो आप जो भी खा रहे हो, न्यूट्रिशन खा रहे हो, तो वो एब्जॉर्ब ही नहीं होगा ना। आपको पता है खाने की क्या प्रोसेस होती है? मुंह से खाना जाता है, ये रसा नाल है, रसा नाल से जाता है आमाशय में, आमाशय से छोटी आंत, छोटी आंत से बड़ी आंत, बड़ी आंत से बाहर। अब ये जो पूरी प्रोसेस है, यहाँ पर तो गंदगी चिपकी हुई है, यहाँ से ही ये रसा लाल में गंदगी चिपकी हुई है, छोटी आंत में गंदगी चिपकी हुई है, बड़ी आंत में गंदगी चिपकी हुई है। आप देखो बर्तन आप मांजो मत, और झूठे बर्तन में आप रोज खाना खाओ, खा सकते हो? नहीं खा सकते, है ना। वैसे ही हमारा शरीर में जो भी हम भोजन करते हैं, वो भोजन क्या होता है, जगह जगह जाके चिपकता है। जैसे आपने घी खाया, तेल खाया, तो जगह जगह जाके हमारी ऑर्गन्स में चिपकता है। तो सर ने ये बोला है कि अगर भोजन चिपका हुआ है तो आप जो भी भोजन खाएंगे वो लगेगा ही नहीं, क्योंकि हमारी इंटेस्टाइन में विलाइज होती है, विलाइज ऐसी जो न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करती है ना। तो वो चीज हो ही नहीं सकती यदि आपकी हमारी हमारी इंटेस्टाइन ही मल मल से भरी हुई है। तो हम हमारी बॉडी में हम कितना भी अच्छा खाना है, कोई सा भी न्यूट्रिशन खाए, वो एब्जॉर्ब ही नहीं होगा। इसीलिए कई लोग बोलते हैं वेट गेनर्स को फाइबर नहीं खाना चाहिए, जबकि वेट गेन करने वाले को भी फाइबर खाना चाहिए, क्योंकि फाइबर अगर खाएंगे वो तो उनकी इंटेस्टाइन साफ होगी, और इंटेस्टाइन साफ होगी तो उनकी बॉडी में एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा। ये मेरा पहला क्वेश्चन था। दूसरा, फाइबर की कमी से क्या क्या नुकसान हो सकता है? ये तो पहले बताया, पहला सर ने बताया कि न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब नहीं होगा। अब आप बताइए यदि हम फाइबर नहीं खाते, और एक व्यक्ति को दिन भर में कितने ग्राम फाइबर S+ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO द्वारा कितने ग्राम फाइबर खाने का एक व्यक्ति को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज किया है कि एक व्यक्ति को इतना फाइबर खाना चाहिए। इस सबके स्टैंडर्ड्स मापदंड फिक्स है जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन निकालती है। तो एक व्यक्ति को कितने ग्राम फाइबर खाना चाहिए, कौन बताएगा? एनीबडी ऑफ यू? 25 ग्राम, 25 ग्राम। वेरी नियर टू ट्वेंटी आंसर पर नॉट करेक्ट। एक व्यक्ति को 30 ग्राम फाइबर खाना चाहिए। कितना खाना चाहिए? 30 ग्राम। पर मैं अरुण सर के नॉलेज को अप्रिशिएट करती हूँ कि उनको नॉलेज बहुत है ना। तो एक व्यक्ति को 30 ग्राम फाइबर खाना चाहिए। अब मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछी हूँ, आपको फाइबर कहाँ से मिलता है? व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ फाइबर? अंडे में फाइबर होता है क्या? चलिए ऐसा ओपन क्लोज एंडेड क्वेश्चन नहीं। पूछती हूँ, क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछती हूँ आपसे, क्योंकि अभी मैं ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछ रही थी। अब मैं आपसे चार चार चीजें बोलूंगी और आपको बताना है किसमें फाइबर ज्यादा है ना। मैंने आपको एक क्वेश्चन थ्रो किया है, आपके पास भोजन में चार चीजें हैं। एक फल है, एक फलों का जूस है, एक ब्रेड है ना, अकेली सिंपल ब्रेड है, और एक वेजिटेबल सैंडविच है। इन सब में सबसे ज्यादा फाइबर किस में है? फल में, फ्रूट में, फ्रूट में, फ्रूट फल में। में,
श्रीकांत सर ने हैंड रेस किया है। श्रीकांत सर, हाँ सर, आपका ज्ञान बताएंगे। यस सर, अनम्यूट करेंगे। यस सर, फ्रूट्स में मैम, फ्रूट्स में, वेरी गुड सर। मैंने तीन ऑप्शन दिए थे, और फ्रूट जूस में फाइबर नहीं होता? फ्रूट जूस भी तो फ्रूट का ही बना होता है, फिर उसमें फाइबर नहीं होता क्या? उसमें कम होता है क्योंकि क्या है, फ्रूट्स में है ना वो सब निचोड़ के निकल जाता है, इसलिए हाँ फ्रूट। यस। और ब्रेड में भी तो फाइबर होता है, फिर आपने ब्रेड को नहीं चुना, वो तो मैं देखी होती है। मैं देखी होती है, ऊपर से एक आवाज आई। ब्रेड में, ब्रेड वेजिटेबल सैंडविच से ज्यादा फाइबर। अब हमें किसी चीज में फाइबर को बढ़ाना है, तो हमें क्या चीज ऐड करना? अच्छा ये बताइए, अंडे में फाइबर होता है, चिकन में फाइबर होता है, मटन में फाइबर होता है क्या? नहीं होता, नहीं नहीं, होता है। नहीं होता। नॉन वेज में फाइबर नहीं होता, एनिमल के किसी सोर्स में फाइबर नहीं होता। दूध में फाइबर होता है? होता नहीं होता, नहीं नहीं होता। होता है। वेरी गुड, आप इतना बढ़िया इंटेलिजेंट होते जा रहे हैं। फाइबर सिर्फ और सिर्फ पौधों में होता है, ओनली प्लांट, वेजिटेबल्स ओनली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। और अनाज में भी होता है फाइबर, सिर्फ जो प्लांट बेस्ड चीजें हैं, जो पौधों से आई है, उसी में फाइबर होता है। फाइबर को रेशा बोलते हैं, और ये रेशे के बिना जिंदगी अधूरी है। इस रेशे के बिना हमारी जिंदगी अधूरी है। हम दुबले नहीं हो सकते अगर हमारे शरीर में प्रॉपर अमाउंट में फल और सब्जियां नहीं जा रही है। अब मैंने यहाँ पर लूजर चैलेंज में थालियां देखी, वो मोटी रोटी दो दो रखी हुई उसके अंदर थाली में, लोग फोटो खींच के भेज रहे पूरियों के। वेट लॉस चैलेंज में पूरी के फोटो आ रहे हैं भैया, और उसमें बड़ा बड़ी बड़ी मोटी मोटी रोटी है ना। एक और चीज ध्यान रखिए कि हमेशा आपको सब्जी से रोटी खाना है, रोटी से सब्जी नहीं खाना है। चाहे आपको वेट गेन करना हो, चाहे आपको वेट लॉस करना हो, रोटी इतनी सी होना चाहिए, सब्जी इतनी सारी होना चाहिए। और मैंने लोगों की थालियां देखी, रोटी इतनी सारी है और सब्जी इतनी सी रखी हुई है। भैया हाँ फाइबर का सोर्स तो वो सब्जी है, जिससे हाँ आप दुबले या मोटे हो गए। वेट लॉस या वेट गेन की बात नहीं चल रही है, फाइबर की बात चल रही है। वो सब्जी से ही फायदा होने वाला है ना। अब एक जाम में कितने ग्राम फाइबर होता है, एक अंदाज से बताओ आप मुझे, एक जाम में कितने ग्राम फाइबर होता है? एनीबडी, सब ओपन एंडेड क्वेश्चन, एक जाम में कितना फाइबर होता है? पांच 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 से भी कम होता है, फाइव बिल्कुल फाइव सच। ग्राम तीन नहीं, पांच से भी कम होता है, 2 से 3 ग्राम फाइबर होता है। और मैं बोल रही हूँ 30 ग्राम फाइबर रोज खाना है। कहाँ से खाओगे, कितने जाम खा लोगे तीन आप? इसलिए आपको क्या करना चाहिए कि फाइबर का रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए, एक तो सलाद कंपलसरी आपको डाइट में डालना है। पहली बात, जब भी भोजन करेंगे, प्लेट नंबर 1, प्लेट नंबर 2, शेक कैसे बनाते हैं जिन लोग जिनको नहीं आता, देखो 3 स्कूप में फॉर्मूला 1। प्लेट नंबर 1, प्लेट नंबर 2, प्लेट नंबर 1 शुड कंसिस्ट ऑफ ककड़ी, टमाटर, गाजर, प्याज, शिमला मिर्च है ना, धनिया पत्ती में बहुत फाइबर होता है, कड़ी पत्ते में बहुत फाइबर होता है। और ये सारी चीजें आपको प्लेट नंबर 1 में डालनी है, उसके बाद ही आपको प्लेट नंबर 2 रोटी सब्जी वाली हाथ लगानी है। दूसरा, हम लोगों की सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, हम लोग इतना जो है परिश्रम नहीं कर रहे हैं जो पुराने लोग करते थे। हमें इतनी रोटियां खाने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, हमें रोटी कम करके सब्जी को बढ़ाना पड़ेगा। दूसरी चीज, तीसरी चीज, फाइबर कॉम्प्लेक्स आपके कोच द्वारा लीजिए, और उस फाइबर कॉम्प्लेक्स को इस शेक के अंदर डालिए। क्या है फाइबर कॉम्प्लेक्स? अब ये फाइबर कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, एक और फायदा, अब इसके फायदे पे आते हैं। एक तो ये है कि आप दुबले या मोटे हो जाओगे, जो भी आपका गोल है। दूसरा, हमारी जो आंत होती है, बड़ी आंत, उसको क्या बोलते हैं, सेकेंड ब्रेन। 2 स्कूप शेक में डालना है, हाँ 2 स्कूप शेक में डालेंगे। व्हाट इज योर इंटेस्टाइन कॉल्ड एज, इट इज सेकेंड ब्रेन। और जब आप फाइबर खाते हो तो इसमें जो बैक्टीरिया का कॉम्बिनेशन है, अच्छे बैक्टीरिया बढ़ते हैं है ना, तो हमारा ब्रेन भी शार्प चलता है। दूसरा, स्किन के जितने डिसऑर्डर्स हैं, पिंपल्स जिन लोगों को ज्यादा हो रहे हैं, मतलब वो फाइबर कम खा रहा है ना। पेट मटके जैसा बाहर आ रहा है, जिसका पेट बाहर है उसने फाइबर कम खाया है, मटके जैसा पेट उसी का बाहर आता है जिसकी डाइट में फाइबर कम है। फाइबर जो है, आपको 3 प्रोडक्ट्स हैं जहाँ पे आपके कोच के द्वारा आप ले सकते हैं। एक आप फाइबर कॉम्प्लेक्स इसमें मिला दीजिए शेक में, सबसे बढ़िया।
दूसरा बीटा हार्ट आप ले सकते हैं, तीसरा एक्टिवेटेड फाइबर टैबलेट ले सकते हैं 3 टाइम्स अ डे, चौथा सेल्यूलोज भी आप ले सकते हैं 3 टाइम्स अ डे, है ना। तो इससे आपका ब्रेन भी अच्छा रहेगा, इससे आपकी इम्यूनिटी भी अच्छी रहेगी, इससे आपकी स्किन भी अच्छी रहेगी। और इसके नेचुरल सोर्सेस में बता चुकी हूँ, ये सिर्फ पौधों से आता है, ओनली प्लांट बेस्ड होता है। तो जिन लोगों के पास फाइबर टैबलेट नहीं है, या फाइबर कॉम्प्लेक्स नहीं है, या बीटा हार्ट नहीं है, सेलुलोज या एक्टिवेटेड फाइबर नहीं है, चाहे वो वेट गेन कर रहे हो या वेट लॉस कर रहे हो, दोनों को ये अपने कोच से लेना है। जो डायबिटीज है, मधुमेह की बीमारी है, यदि आप हर चीज में फाइबर खाते हो तो मधुमेह की बीमारी से आप बच सकते हो, डायबिटीज से बच सकते हो। क्योंकि फाइबर क्या करता है, फूड के ग्लाइसेमिक इंडेक्स को डाउन कर देता है। हमारे शेक के अंदर भी फाइबर होता है और इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 55 से कम होता है, तो ये डायबिटिक फ्रेंडली है, मतलब शुगर को शूट नहीं करता क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम रहता है। तो कई लोग शुगर के पेशेंट खा सकते हैं क्या? बिल्कुल खा सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर फाइबर होता है और जो कि धीरे धीरे शुगर को बढ़ाता है। तो शुगर के पेशेंट भी शेक पी सकते हैं, और हम पिला रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर सभी के शेक बन गए, देखिए श्रीकांत पालीवल सर का शेक तैयार है, ये देखिए शेक पी रहे हैं सर, वेरी गुड। अरुण सर आपका शेक किधर है ना, और जो भी मेंबर्स है, हाँ राजू दिखा था, मैं दिखा था, आपका शेक ये दिखाइए, देखो देखो हाँ मेरा मेरा शेक, मेरा अरुण शेक सर का शेक देखिए। देखो। हमारे साथ कितने सब इंजीनियर्स, रिटायर्ड इंजीनियर्स, रिटायर्ड, ये देखो अरुण सर का शेक, वेर इज योर शेक। हाँ ये शेक बन गया सर का, सर भी दिखा रहे दिखता है हैं क्या, अभी। दिखता है हाँ क्या? ये सर का किचन है, देखो किचन में शेक बनाएंगे अभी और पिएंगे। अच्छा वेरी गुड सर, इसी तरह आप एक है मेरे को, एक 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 आपने इंफॉर्मेशन नहीं दिया फाइबर के बारे में, वो मेरे को जरा ज्यादा इंफॉर्मेशन दो ना। हाँ सोल्यूबल फाइबर और इनसोल्यूबल फाइबर, उसके उसके बारे में जरा डिटेल में बताइए ना। उसी में आता सोल्यूबल है। फाइबर मतलब घुलनशील फाइबर जो कि कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, और सोल्यूबल फाइबर जो होता है वो जेल लाइक स्ट्रक्चर बना के पेट को फुल कर देता है, और इनसोल्यूबल फाइबर अघुलनशील फाइबर बॉवल मूवमेंट में सपोर्ट करता है, और कॉन्स्टिपेशन और इसके लिए ज्यादा दिया जाता है, ठीक है सर, है ना। तो ये दोनों अच्छा ये फाइबर जो नहीं ये जो वेट गेनर होता है, वेट गेन लेने करने का, उसको कौन सा लेना चाहिए, इनसोल्यूबल लेना चाहिए कि सोल्यूबल लेना चाहिए? दोनों फाइबर खाना चाहिए, दोनों शुड बी दोनों द लेना चाहिए, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। हाँ यस, हमारे साथ आज नामी का मगर भूख उससे तो भूख तो मर, मर भूख जाने तो मर दो, जाती है फिर। मर जाने दो, फाइबर खाना जरूरी है ना, हो वेट गेन कैसे होएगा? जाएगा, अब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा ना, जो नहीं खाओगे नहीं वो वेट गेन कैसे एब्जॉर्ब होएगा? होने लग जाएगा, जो खाओगे वो एब्जॉर्ब होगा, मोशन प्रॉपर होगा और भूख ज्यादा लगेगी। आप गलत सोच रहे हो, मोशन प्रॉपर होगा, पेट साफ होगा तो भूख ज्यादा लगेगी, कम नहीं होगी, है ना। यस, शेक में आपको सब मिलता है, शेक से आपको, यस मेरी आवाज रिपीट हो रही है। तो दीपिका मैम, नामिका मैम नहीं है क्या आज, इशी हियर, अनामिका मैम इज हियर, उनका सेशन है। हाँ यस मैम है दीदी इधर। ओके 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 हाँ, तो यस आई विल इनवाइट अवर सीनियर वेलनेस कोच अनामिका मैम, शी इज फ्रॉम भोपाल, और नामिका मैम को को-होस्ट बना देंगे प्लीज। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, हम लोग फर्स्ट